इकाई दूसरी ईदगाह साहित्य प्रकार है कहानी। विषय प्रवेश। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चितेरे थे। ईदगाह उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। उसमें पहला है खाली जगह अमीना का पोता था, उसमें बी हामिद। दूसरा है अमीना अपने को क्या समझती है, बी भाग्यहीन। तीसरा है खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, उसमें बी दुआई। चौथा है हामिद को किसने साथी बनाया, सी महमूद ने। पांचवा है ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, ईदगाह। प्रश्न दूसरा है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें खाली जगह पहली है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। दूसरी है रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। तीसरी है उनके अपने जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। चौथी है हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। पांचवी है हामिद अमीना को अम्मा कहता है। छठी है हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। प्रश्न तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए, उसमें विधान पहला है गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। दूसरी है चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तीसरा है दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। चौथा है अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, उसमें पहला है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं, उसका उत्तर है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का मजहबी फर्ज है। प्रश्न दूसरा है रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं, उसका उत्तर है रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न तीसरा है महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे, उसका उत्तर है महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिस्ती खरीदा। प्रश्न चौथा है हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था, उसका उत्तर है हामिद का चिमटा बंदूक फकीरों के लिए चिमटे और मंजिले का काम कर सकता था। प्रश्न पांचवा है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे, उसका उत्तर है दुकानों में सिपाही गुजरिया राजा वकील बिस्ती दोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, उसमें प्रश्न पहला है हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा, उसका उत्तर है हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। प्रश्न दूसरा है हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता, उसका उत्तर है हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं मानता क्योंकि इससे मुँह सड़ता है, फोड़े फुसियाँ निकलती है और जमा चटोरी हो जाती है, फिर पैसे चुराने की आदत हो जाने पर मार खानी पड़ती है। प्रश्न तीसरा है बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है, उसका उत्तर है हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। प्रश्न चौथा है अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली, उसका उत्तर है अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, मेले में
खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उसका उत्तर है, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसे बदहाली के कारण बूढ़ी अमीना ईद को कोस रही थी। प्रश्न दूसरा है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उसका उत्तर है, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे, अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पांव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। इन्हीं कारणों से अमीना चिंतित थी। प्रश्न तीसरा है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। तभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते। किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। प्रश्न चौथा है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखेंगे या बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेके पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा देता तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। इसका चिमटा तो बहादुर शेर है। इस प्रकार हामिद चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कारण बताया। प्रश्न पांचवा है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उसका उत्तर है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। प्रश्न छठा है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसका उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न सातवां है, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उसका उत्तर है, रुमाल का उपयोग हाथ मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उन्हें सिर पर बांध सकते हैं, हल्के बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर की भीगने से बचा सकते हैं, थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने में काम आ सकता है। प्रश्न आठवां है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? उसका उत्तर है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। ईदगाह में नमाज, योगा, भातृभाव देखते ही बनता है। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएँ ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है, दिल का चोटना, यानी दिल में दुख होना। उसके वाक्य है, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा। दूसरा है, बेड़ा पार लगाना, यानी संकट से बचाना। वाक्य है, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा है, आँख उठाकर न देखना, यानी उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। वाक्य है, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। प्रश्न चौथा है, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य है, डाकुओं ने
गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। पांचवा है रंग जमाना यानी प्रभावित करना। वाक्य है देखते ही सुरेश ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया। छठा है माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना नष्ट हो जाना। वाक्य है एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। सातवा है छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। वाक्य है बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आठवा है दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुँचना। वाक्य है बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। प्रश्न आठवा है निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है ठंडा यानी शीतल, दूसरा है खुश यानी प्रसन्न, तीसरा है दीन यानी गरीब, चौथा है प्राचीन यानी पुराने, पांचवा है प्रेम यानी स्नेह, छठा है अंधेरा यानी अंधकार। प्रश्न नौवां है निम्नलिखित शब्द के विरोधार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है नई पुरानी, दूसरा है द्रुणा यानी स्नेह, तीसरा है प्रकाश यानी अंधकार, चौथा है उष्ण यानी शीतल, पांचवा है खिन्न यानी प्रसन्न, छठा है अमीर यानी गरीब, सातवा है आश्रित यानी अनाश्रित, आठवा है अवनति यानी उन्नति, नौवा है भीतर यानी बाहर। अब हम देखते हैं प्रश्न दसवा। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? मैं अपने मित्रों के साथ मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मैंने सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटे बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देकर पिताजी खुश हुए, बोले काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी बताई है।